मैं आपको इस चीज़ पे बताने वाला था कि जहाँ पे हम लोग गए हैं और जो अभी आप लोग देखने वाले हैं इस सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड, और इस एपिसोड पे हम आपको बताएंगे कि हम लोग इसके बाद हम पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर सफ़र किए, कहाँ कहाँ पे गए और किस किस जगह पे आप जाके हमने क्या क्या मतलब कार्ड में बोलना नहीं चाहूँगा, कैसे कैसे मजाक मस्ती किया हुआ है, हर एक चीज़ बताएंगे। और आप लोग गुजारिश ये है कि प्लीज़ डोंट स्किप माई वीडियोज़, आप एक एक चीज़ देखेंगे उसके अंदर आपको यकीन बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो मेरे वीडियो को डोंट स्किप माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। माई ऑनली वन रिक्वेस्ट दैट आई कैन जस्ट गिव यू मोर एंड मोर वेरी गुड वीडियोज़। और उसके बाद क्या होगा कि आप जब अंतर देखेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम और एक नया वीडियो आपको और एक जगह के बारे में आपको बताने वाले हैं। सो प्लीज़ जस्ट स्टे विद मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। देखिए दुकान जो है बेसिकली शंख के लिए है और ये शिवलिंग भी बहुत सारे वैरायटीज रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये है ना, हाँ हाँ, ये आप देख सकते हैं, हाँ कुछ कम होता है लाल में, थोड़ा कम होगा, कम होना चाहिए। ये कितनी की है भैया? हाँ हाँ, इसको कोड़ी बोलते हैं, अलग अलग है। बच्चों ने हम लोग खेले थे, हमें घर पे होता था ये खेले थे ना, मना घर पे रखने के लिए। हाँ 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 हाँ, कितना अच्छा बनाया, मतलब बहुत बढ़िया। आप देखिए हर टाइप का मिल जाता है आपको। ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे पूजा पाठ के सामान ही मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पे और एक दुकान दिख रहा है, बिल्कुल है ना, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से दुकान सजा के रखा हुआ है इन लोगों ने। ये देखिए चूड़ी वूड़ी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे दुकान में, पूजा पाठ के सामान के साथ साथ भी। और हम लोग अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी एक दुकान और एक है और यहाँ पर सब कम रेट में मिलता है। अच्छा, ये दुकान आप देख सकते हैं, वैराइटीज़ हैं और जो भी चाहिए, तो भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो डेफिनेटली अब दिखा देते हैं। दुकान का नाम भी आपको बता देंगे और एक कार्ड भी देंगे, एड्रेस भी दे देंगे आपको, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। आपको एक बार पूरी दुकान घुमा के दिखाता हूँ, कितना शानदार तरीके से इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, रियली अमेजिंग। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकान में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों का खेलने की जो सामान है वो भी रखा गया है, आप ये देख सकते हैं, और है ना, और हाँ, तो अब भाई से थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, पहले दुकान पर आपको घुमा के दिखा देते हैं, इसके बाद आपसे दो मिनट बात भी करेंगे डेफिनेटली। आप यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं कितना बढ़िया है, बच्चों का खेलने के सारे सामान क्या है वो उपलब्ध है। आप यहाँ देख सकते हैं घड़ी से लेकर शुरू करके सब चीज़ है यहाँ पे, कितना बढ़िया से सजा बैठे। तो अभी हम इस दुकान में, तो अभी इस दुकान में एक भाई से बात करेंगे। भाई जरा आप यहाँ पे आइए। तो सबसे पहले ना आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम सन्नी है। अच्छा सन्नी, मैं आपको मेरे चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ, ठीक है? और अच्छा लगा कि मुझे आपके चैनल के लिए और मेरे चैनल के लिए आप ये मुझे इनवाइट किए हैं, तो डेफिनेटली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बिज़नेस है आगे और भी बहुत बढ़ेंगे, तो लोगों के कहने पर मैं जाता रहता हूँ। अच्छा आप बताइए, ये थोड़ा सा आप अपनी दुकान के बारे में बताइए, ये दुकान कहाँ पे है, एड्रेस कहाँ पे है, और लोग कैसे आएंगे यहाँ पे, सब चीज़ बता दीजिए। मोती बाज़ार प्रकाश लोक के सामने है, जस्ट मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, मोती बाज़ार मानसरोवर हमारी दुकान का एड्रेस है। हाँ हाँ, मेन मोती बाज़ार में हमारी शॉप है ये। बाकी आपको सारी वैरायटी हमारे यहाँ टॉयज़ की, बैंगल्स की,
बुक केस की, बाकी सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी और मार्केट से 10% डिस्काउंट ही मिलेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ देखिए, इतने मार्केट में कंपटीशन होने के बावजूद भी सन्नी ने हमारी स्पेशल रिकमेंडेशन की वजह से, स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे तो डेफिनेटली एडिशनल 10% देने के लिए डिस्काउंट देंगे। क्या बात है, अब भाई साहब देखिए चैनल के माध्यम से आएगा, बिल्कुल 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 10% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है मार्केट के रेट से। अच्छा तो सर आप भी बताओ कि ये दुकान कितने पुराने हैं यहाँ पे? ये दुकान करीबन ऐसी सर जी हमारे को यहाँ पर बैठे बैठे करीबन 10 साल हो गए भैया को हमारे। अच्छा हम अभी यहाँ पर 5 साल से ज्वाइन किया हमने, हम बड़े हो गए थोड़ा। अच्छा अच्छा मेहनत करने के लिए तो देखा जाता बचपन से ही सब कुछ आप लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी हमारे बड़े भी हैं वो 10 साल हो गए भैया को यहाँ पर शॉप ऑपरेट करते हुए। अच्छा अच्छा और चीज़ बता दो, सुबह दुकान कितने बजे खुलती है? सुबह करीबन 9:00 खुलती है और नाइट को 9:00 की क्लोज होती है। अच्छा अच्छा बाकी तो मतलब पूरे चारों तरफ देखा जाए तो काफ़ी चहल पहल रहती है ना, ठीक है? इस टाइम इतना अच्छा रश रहता है सर, ठीक है। तो मैं आपसे एड्रेस लेके मैं कह रहा हूँ अपने चैनल में सारे ये सन्नी का, मैं माई व्यूअर्स में रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सन्नी की दुकान पे जब भी आएंगे तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में पूरी मैं आपको दे दूंगा और कैसे पहुँचना है सारे लोकेशन बता दूंगा, चाहे अगर उनका नंबर भी चाहे मैं आपको नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच सन्नी मेरे साथ मेरे चैनल पर बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। शायद कुछ है यहाँ पे, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो अचानक हल्ला हुआ है। एक मिनट भाई लगता मत दो, उसने मिस बिहेव किया यात्रियों से, क्या हुआ? रोड खाली करवा दिया ना, क्योंकि ऐसे तो भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। अरे चले यार मूर्ति भगवान की आ रहे हैं बेटा, ये देखिए ज्यादातर दुकानें जो है आपको पूजा पाठ के सामान यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मिलेंगे। देखिए चारों तरफ अभी हम लोग धीरे धीरे अपना गंतव्य स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं और गली में जैसे लोग भी चल रहे हैं धीरे धीरे और उसके साथ साथ काफ़ी जो स्कूटर और बाइक वाले भी आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत क्राउडी है, क्राउडी तो रहेगी यहाँ पे किसी भी आप इस टाइप में जगह पे जाएंगे, क्राउड तो मिलना ही है। हाँ चले इस साइड से, उधर तो कल गए थे। अच्छा अच्छा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्या सारे अचार है क्या? ओ अरे एक मिनट रुक जाओ, हाँ चलो। ओ ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैरायटीज टाइप ऑफ यू नो चाहे करेला बोलिए मिर्च बोलिए हर चीज़ का अचार है यहाँ पे, ठीक है।
तो हम देखेंगे कैसे रेट वगैरह है, तो उसी हिसाब से देख लेंगे। तो कैसे कैसे है ये रेट, क्या क्या है ये? तो बिल्कुल ये गिदीम हुआ गरम मसाले वाला है 40 रुपये पाव। ये 40 रुपये पाव? हाँ, मिक्स है 40 रुपये पाव, लाल मिर्ची 50 रुपये पाव। ये क्या है, ये क्या मिक्स है? मिक्स है 40 रुपये। अच्छा, और ये क्या है, ये कैसे है? अरे ये तो मीठा वाला होगा ना। और ये क्या, ये भी मिक्स है? ये किस चीज़ का है? ये अलग है, अदरक का। ये कैसे? ठीक है, हम देख के जा रहे हैं, तो आते समय मिलेंगे इससे। चाय पीने देखे आपको? अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए आप गंगा में बहना के लिए है ना, बहाने के लिए यहाँ पे सारे के सारे जो पत्तियाँ बनी हुई है फूलों के साथ आप ले जा सकते हैं यहाँ पे, या पानी में विसर्जन कर सकते हैं। और सारे की सारी दुकानें वो पानी के लिए है ना। चलो भाई चलो। हेलो, क्राउड अभी से काफी ज्यादा है, तो जैसे जैसे शाम होता जाएगा और उसी हिसाब से अब देखिए लोग यहाँ पे भंडारा भी लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे भंडारे में भी आप प्रसाद ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो लाइन भंडारे का ही है ना, है? हाँ ठीक है। हाँ ये देखिए, और एक जगह पे भंडार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे पूरी सब्जी बांटते हुए भंडारा में। आप यहाँ पे देखिए भंडारे में लोग लाइन से लगे हुए हैं, लाइन से। तो भंडारे के लिए ये लोग यहाँ पे संपर्क करते हैं, तो उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भंडार देते हैं। हाँ ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर है छोटा छोटा, और यहाँ पे जैसे आप दान कर सकते हैं, और यहाँ पे हवन या पूजा पाठ अलग से, अगर आपका स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम थोड़ा जाएंगे जहाँ पे जिस घाट पे लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, वहाँ तक आपको दिखाएंगे।
तो सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने कीमती सामान को अपने परिवार के हाथ सदस्य के हाथ में ही रखें। आपका सामान तो आप देखिए, ये जो मेन सड़क है, हम तो अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, तो आगे वहाँ तक जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो असली गंतव्य स्थल है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। वहाँ तक आप देखेंगे भीड़ पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी तरफ जा रहे हैं। और चलते चलते मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी चल रहे हैं, और पूरी सफ़र का मेरे साथ ही देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ घर पे बैठ के आप लोग मेरे साथ चले, और मैं आपको उस जगह पे लेके चलूँगा जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हैं। ये फेमस है, वही जगह है, हाँ, जो मैं मुख्य जो ये सुभाष घाट है और हर की पड़ी है, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, सामने ही है। कहाँ जाना है हमें आगे? यहाँ पे है? हमें यहाँ से चलना होगा ना, या उधर से चलना होगा? चलिए पहले पुल पे चल के देखते हैं, उसका देखते हैं कि आरती शाम को कहाँ पर, वो कैसे कहाँ पे लगेगा। ठीक है, यही तो है। अच्छा, असली तो यही है ना, यहाँ पे देखो पानी का बहाव इतना तेज है, आप देख सकते हैं। हाँ, डबल लाइन कर दी बीच में से, ये चालू कर दिया ना उन्होंने ना, हाँ। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये पतला होने की वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नया बना है। आप देख सकते हैं घाट के दोनों तरफ 1, 2, 3, 4 हैं बना हुए, यहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है।
और कभी आप लोग आएंगे तो बिल्कुल सावधानी बरतनी है। इनसे पूछ लो ना, बता देंगे ना, इन लोगों को पता होगा, पूछ लो ना किसे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, साथ साथ नहा भी रहे हैं। अगर मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखिए पानी का तेज कितना। तो चलिए आरती है, शाम की आरती होती है अच्छी तरह से। हाँ तो नीचे भी जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा चलो, कितने बजे शुरू होती है आरती? 7 बजे। हाँ, जो मुख्य जो मेन जो आरती होती है ना, जो नज़ारा उस टाइम पे बनता है शाम को 7:30 के आसपास, तो हमने किसी से पूछा है तो कह रहे कि 7:20 पे आरती लगती है यहाँ पे, और 7:20 की जो आरती होती है तो 7:20 की जो आरती होती है वो देखने के लिए सारे लोग जा रहे हैं। हालांकि अभी टाइम काफ़ी है हमारे पास, और देख सकते हैं कि लोग घाट साफ करते हुए भी चल रहे हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे लोग दिखे हैं। लोग यहाँ पे नहाए, और देखिए पानी का भाव इतना तेज है। ओ अरे अभी से बैठना पड़ेगा। हाँ वो जो है ना, ये लोग है ना लेके लेके बैठ रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी अरे एक पंडित दादे भाई, अरे और यहाँ पे पंडित एक पंडित कैसे पंडित आया क्या भाई आया क्या? नहीं नहीं, गोई गोई जाने बैठेंगे ना। अभी से लोग तो जाते हैं यहाँ पे बैठ जाने के लिए। अरे वो हाँ दोस्तों, ये था जो वही चीज़ है जयपुर दिन
दिन में आपको बताने वाला थे और एक एक दिन में जितना भी आपको एक एक जगह के बारे में आप लोगों को बताने वाला था और बताने लायक था, मैंने आपको बता दिया। एक एक दिन में आपको बताया कि जगह इतनी बड़ी है कि पूरा आपको रुक के नहीं बता सकता है कि जो मेरी कैपेसिटी के अंदर थी वो मैंने आपको बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरा यही मकसद है कि जो लोग मान लो कि यहाँ पे इतना दूर नहीं आ सकते हैं और मेरे वीडियो के ज़रिए एक एक गली एक एक जगह के बारे में आपको उनको पूरी पूरी नॉलेज मिल सकती है। और इसी वजह से आप अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, डोंट माइंड, प्लीज़ स्टे विद मी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो जगह तक लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ एक नया एपिसोड पे लेकर इसके बारे में, और इसका सेकंड और नेक्स्ट एपिसोड मैं लेकर बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे विद मी। थैंक यू सो मच।